संजय सिंह ने यहां पर बीजेपी पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है, कई बार उनकी आवाज पर हमला हुआ है और ये हमला बल्कि किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी ने करवाया है, ये सुनियोजित हमला हुआ है, अरविंद केजरीवाल पर काली फेंकी गई है और इसलिए हमने अरविंद केजरीवाल से अनुरोध किया कि आप बंगला खाली मत कीजिए, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी है। संजय सिंह ने कहा कि सीएम के तौर पर बहुत सी सुविधाएं मिलती है, अरविंद केजरीवाल को भी वो सुविधाएं मिली, लेकिन इस्तीफा देने के बाद कहा कि सब कुछ छोड़ देंगे, एक सप्ताह के अंदर सीएम आवास छोड़ देंगे। उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल है। हमने समझाने की कोशिश की कि ये घर एक सीएम के तौर पर ही नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा को लेकर भी जरूरी है, लेकिन वो नहीं माने तो वह अब आम आदमी की तरह ही रहेंगे। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे न्यूज रूम से हमारे सहयोगी रानू मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। रानू, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा आरोप लगाया है, सनसनीखेज दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल के जान को खतरा है। बिल्कुल, ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है संजय सिंह की तरफ से और उन्होंने बताया है कि एक हफ्ते के अंदर अरविंद केजरीवाल जो सरकारी आवास है वो खाली कर देंगे। और दूसरी बड़ी चीज़ जो उन्होंने कही है, दावा किया है और आरोप भी कई लगाए हैं कि उनकी सुरक्षा को खतरा है, उनकी जान को खतरा है। कई बार अरविंद केजरीवाल पर हमले हो चुके हैं, कई बार उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की गई है। तो एक हफ्ते में अरविंद केजरीवाल अपना सरकारी आवास जो उनको मिला हुआ था, मुख्यमंत्री आवास, वो खाली करने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहाँ रहेंगे, किस घर में रहेंगे, अभी कुछ भी तय नहीं है। संजय सिंह ने भी यही कहा कि कहाँ वो रहेंगे कुछ नहीं पता है, लेकिन उनकी जान को खतरा है, उनकी सुरक्षा को खतरा है। फिलहाल वो एक हफ्ते में जो है अपना आवास खाली करने जा रहे हैं, क्योंकि कल ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और आतिशी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। तो अब दिल्ली में नई सरकार का गठन होना है, हालांकि सरकार तो आम आदमी पार्टी की बननी है, लेकिन मुख्यमंत्री नया होगा, तो कुल मिलाकर अब मुख्यमंत्री आवास अरविंद केजरीवाल को छोड़ना पड़ेगा। उसी को लेकर जो है संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि एक हफ्ते के अंदर जो है अरविंद केजरीवाल अपना आवास खाली कर देंगे, सरकारी आवास, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, उनकी सुरक्षा को खतरा है, कई बार उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की गई है। और संजय सिंह ने यह भी कहा है कि कल ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, इससे दिल्ली की जनता नाराज है, दिल्ली की जनता नहीं चाहती है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दें। लेकिन किस तरीके से उन्होंने कहा है कि गुस्से में एक ईमानदार सीएम ने इस्तीफा दिया है, दो साल से लगातार बीजेपी उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही थी और उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया गया है, कोई और नेता होता तो पद से चिपका रहता, ये भी संजय सिंह ने कहा है और बड़े आरोप लगाए हैं, बीजेपी को घेरा है, केंद्र सरकार को घेरा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तय किया कि वो जनता की अदालत में जाएंगे, उनसे ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेंगे, ये संजय सिंह ने बताया है। लेकिन दो चीज़ें उन्होंने कही हैं, पहली ये कि अरविंद केजरीवाल सरकारी आवास खाली करने जा रहे हैं, वो एक हफ्ते के अंदर सरकारी आवास छोड़ देंगे, और दूसरी चीज़ ये उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कहाँ रहेंगे, किस घर में रहेंगे, अभी इसका कुछ भी तय नहीं हुआ है। और तीसरा उन्होंने बड़ा जो आरोप और दावा लग किया है वो ये कि उनकी जान को खतरा है, उनकी सुरक्षा को खतरा है, वो मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली के, कल ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी, उनकी सुरक्षा को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। और उन्होंने कहा पार्टी चिंतित है, हमारे नेता चिंतित हैं, और वो कह रहे हैं कि जनता भी चिंतित है, जनता नाराज भी है कि केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, ये संजय सिंह ने भी जानकारी दी है। जी, लेकिन रानू, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लगातार, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की जान के खतरे की बात हो या फिर अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य की बात हो, तमाम ऐसे दावे करती है। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो आपने वो तस्वीरें देखी होगी कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ये कहते थे कि उनके स्वास्थ्य से बीजेपी खिलवाड़ कर रही है, लेकिन अब जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो ये दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। अगर सचमुच में अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है जो दावा आम आदमी पार्टी कर रही है, तो ये गंभीर मसला है। बिल्कुल, देखिए आरोप और दावे दो अलग अलग चीज़ें हैं। आरोप जो वो लगा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि सुरक्षा में खतरा है, हो सकता है सुरक्षा में खतरा हो, आगाह किया है उन्होंने केंद्र सरकार को। और दूसरी बड़ी चीज़ है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ी चीज़ें जो देखने को मिलेंगी वो ये कि कुल मिलाकर केंद्र निशाने पर रही है, भारतीय जनता पार्टी निशाने पर थी। उन्होंने कहा पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई, दिल्ली की जनता नाराज है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से, क्योंकि जनता नहीं चाहती है कि अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा दें। संजय सिंह ने बड़ा दावा किया है, केजरीवाल ने कहा कि हमारी रक्षा ईश्वर करेगा,
केजरीवाल कहां रहेंगे अभी तय नहीं हुआ है। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तमाम बड़ी बातें कही है। एक हफ्ते में केजरीवाल अपना सीएम आवास भी खाली कर देंगे। अरविंद केजरीवाल से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केजरीवाल की सुरक्षा को खतरा है। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता है, राज्यसभा सांसद है, मुखर होकर बीजेपी और मोदी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं, वही संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल के जान को खतरा बताया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कई बड़ी बातें कही है। उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद कुछ ही दिनों में सीएम आवास भी खाली करेंगे, कोई भी सिक्योरिटी भी उनको नहीं चाहिए। लेकिन ये भी दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है, केजरीवाल एक हफ्ते में घर खाली करेंगे। ये जानकारी आप सांसद संजय सिंह ने दी और उन्होंने ये भी बताया कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा पर खतरा है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल घर और गाड़ी समेत सारी सरकारी सुविधाएं छोड़ेंगे। आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केजरीवाल एक हफ्ते में घर खाली करेंगे। इस दौरान संजय सिंह ने यह भी दावा किया कि केजरीवाल की सुरक्षा को खतरा है, केजरीवाल पर कई हमले हो चुके हैं, ऐसे में दिल्ली की जनता को केजरीवाल की सुरक्षा की चिंता है। संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इससे दिल्ली की जनता बेहद नाराज है, गुस्से में है कि एक ईमानदार सीएम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 2 साल से लगातार बीजेपी अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने में लगी है। अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर सवाल उठाया गया। कोई और नेता होता तो अपने पद से चिपका रहता, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तय किया कि वो जनता की अदालत में जाएंगे, उनसे ईमानदारी का प्रमाण पत्र लाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।